साक्षी शर्मा सीधे जुड़ रही हैं, उनका रुख करते हैं। साक्षी, आपसे समझना चाहेंगे कि सरपंच और सरकार के बीच में वार्ता विफल रही, सरपंच अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है, तो आखिरकार समाधान कैसे होता दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर जो यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड चौक है यहाँ पर मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सभी सरपंच हैं वो मोर्चे पर डटे हुए हैं। रात सभी सरपंचों ने यही गुजारी है, कुछ लोग अभी भी सोए हुए हैं, कुछ लोग उठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पर पत्ते खेलते हुए नजर आ रहे हैं। गद्दे और दरियाँ जो हैं वो पूरी तरह से रात को यहाँ पर बिछ गई थी, और सभी लोगों ने यहीं पर जो कार सेवक थे उनके द्वारा यहाँ पर लंगर लाया गया था, सभी ने यहीं पर लंगर खाकर और रात हाउसिंग बोर्ड चौक पर यहीं डटे रहकर जारी है। देर रात तक भी जो अधिकारी थे वो लगातार ये समझाने का सरपंचों को प्रयास करते रहे कि यहाँ से वो उठ जाएं, उनकी जो मांगे हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुँचा दी जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी मोर्चे पर जो सरपंच थे वो डटे रहे और अडिग रहे अपनी बात पर कि वो यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक उनकी सीधे मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं हो जाती है। ई टेंडरिंग पॉलिसी के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन जो था वो लगातार उनके द्वारा किया जा रहा था, प्रदर्शन काफ़ी उग्र भी हुआ, यहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई, इसी के साथ लाठियां भी चलाई गई, लेकिन उसके बाद पुलिस ने देर रात जो है इन सभी सरपंचों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। सेक्टर 14 का जो पुलिस थाना है वहां पर कई धाराओं में यहां पर के मामला भी दर्ज किया गया है, जिसमें अधिकारियों ने इन्हें बताया भी था कि यहां पर धारा 144 लगी हुई है, लेकिन जब सरपंच नहीं हटे तो देर रात पुलिस द्वारा मुकदमा भी दर्ज यहाँ पर किया गया। तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, बैरिकेटिंग भी की हुई है, और सभी जो सरपंच हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार अपनी मांग कर रहे हैं। कल देर रात सरपंचों के द्वारा ये भी कहा गया था कि आज और भी कई संघ के साथ जुड़ेंगे, कल शाम को किसान मोर्चा ने भी ऐलान किया था कि वो सरपंचों की इस मांग के साथ हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, और किसान मोर्चा भी आज उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड चौक पर पहुँच कर सरपंचों के इस धरने में शामिल हो सकते हैं। जी साक्षी, एक बात अगर ये किया जाए कि देखिए लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगर हिंसा आप करते हैं तो ये ठीक नहीं। सुरक्षा में पुलिस बल तैनात थी, आप उनके साथ पत्थरबाजी कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, ये थोड़ा न्याय संगत नहीं है। इसके विषय में क्या आपने सरपंचों से बातचीत की कि इस तरीके से उग्र होने की क्या जरूरत है, प्रदर्शन करिए शांतिपूर्ण तरीके से? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी, प्रदर्शन उग्र भी हुआ, और यहाँ पर जो तस्वीरें थी वो हम सभी ने देखी, हमने भी लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर लगातार उस समय दिखाई कि किस तरह प्रदर्शन उग्र हुआ, और काफ़ी जो जोश था सभी सरपंचों में बात करें, क्योंकि पैदल चलकर वो आए थे, कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो यहाँ पर पहुँचे और लगातार एक के बाद एक जो बैरिकेड्स थे उन्हें तोड़ा गया, पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का चुकी ऐलान किया गया था, तो मांग यही थी कि उन्हें चंडीगढ़ में एंटर करने दिया जाए, और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का जो प्रयास था वो उनके द्वारा किया गया, लेकिन प्रयास विफल रहा क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट बैरिकेटिंग था उसे तोड़ने में सरपंच नाकामयाब रहे, और उसके बाद यहीं पर जो पक्का धरना है सरपंचों ने लगा लिया है अनिश्चितकाल के लिए। यहाँ पर जो धरना है सरपंचों के द्वारा लगा लिया गया है, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, और जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात का आश्वासन अधिकारियों से नहीं मिल जाता, तब तक वो यहाँ पर अनिश्चितकाल तक के लिए सरपंचों ने कहा है वो बैठे रहेंगे। कल मुख्यमंत्री के ओएसडी भी यहां पर पहुंचे थे, भूपेश्वर दयाल, जिन्होंने भी जो देर रात तक यहां पर मौके पर मौजूद रहे, धरना स्थल पर बातचीत करने का प्रयास कई बार किया गया, चंडीगढ़ के भी जो कई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे, उन्होंने भी यहां पर सरपंचों से बातचीत करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि आप यहां से हट जाएं, लेकिन सरपंच अपनी मांगों पर अडिग हैं, और उनका लगातार यही कहना है कि वो ई टेंडरिंग पॉलिसी को वापस करवा कर ही यहां से अपने घरों के लिए लौटेंगे। चलिए साक्षी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।